हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों, हमने हाफ चैप्टर रीड कर लिया था। आज हम अपने चैप्टर का लास्ट पेज रीड करेंगे। बिग डैम्स यानी माही डैम। इस चैप्टर में माही डैम के बारे में बताया गया है। इधर टू मीट द नीड ऑफ वाटर फॉर दी एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बिग डैम्स ऑन रिवर्स आर बींग बिल्ट। लगातार बढ़ती पॉपुलेशन यानी बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती आबादी के कारण पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नदियों पर बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नदियों पर बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखो कौन कौन सी नदी पर बांध बनाए गए हैं। डैम ऑन माही रिवर इन बांसवाड़ा एंड ओन चंबल रिवर इन कोटा। बांसवाड़ा में माही नदी और कोटा में चंबल नदी पर बांध बनाए जा रहे हैं। दीज आर यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। इनका उपयोग बिजली उत्पादन, सिंचाई और पीने के पानी के लिए किया जाता है। हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डैम्स। इन बांधों से कैसे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। इन बांधों से विद्युत का भी उत्पादन होता है। यू विल लर्न इन द हायर क्लासेज। ये आपको उच्चतर क्लासों में सीखने को मिलेगा। लेकिन इससे बड़ी क्लास में होगे तब आपको इसके बारे में और नॉलेज मिलेगी कि इन बांध पर ये बिजली को कैसे उत्पादित करते हैं, इन सब के बारे में। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो गया। अब हम इसके वर्डनिंग करेंगे। आपको एक कंप्लीट चैप्टर रीड करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाय।